बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ओमार्स किचन और आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट से स्वीट डिश तैयार करने जा रही हूँ, जो बहुत थोड़ी देर में बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है। फ्राइड सेवइयां हैं जो कि आपके बहुत कम टाइम में बहुत मज़े की बनेंगी और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई और अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए ओमार्स किचन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी के जरिए। मैंने बताया आपको कि आज हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जो घर में कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप लेंगे, जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैं डालूंगी इलायची के दाने जो हैं, वो 3 से 4 इलायची के दाने मैंने निकाल के रखे हैं, वो इसमें शामिल करूंगी। और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेंगी तो मैं इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूंगी। जी ये देखिए हल्की हल्की जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है। 2 मिनट्स तकरीबन मैंने रखा है इसको, इलायचियों को ऑयल में डाल के, तो इसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ये सेवइयां। हाँ, उसमें इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने 2 मिनट्स ले लिया। अच्छा, ये जो सेवइयां आप देख रहे हैं ये मैंने बारीक कर ली हैं, हाथ से ही तोड़ ली हैं, तो तकरीबन ये 1/2 कप में बना रही हूँ, शामिल कर रही हूँ इसमें। इसको आप तकरीबन 4 से 5 मिनट्स जो है वो आप घी में फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। देखिएगा कि सेवइयां जो हैं वो आपकी जले नहीं। बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत आसानी से तैयार होने वाली है जल्दी। इसको आप हाई टी के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, अच्छी लगती है। जी आप देख रहे हैं कि जो सेवइयां हैं वो हमारी गोल्डन ब्राउन जो है वो हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इसमें शामिल करूँगी पानी, 2 कप पानी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी, 1/2 कप मैंने शुगर ली है। इसी स्टेज पे आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं आप शामिल कर लें। मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरा, नारी जिसको कहते हैं, और मेवा किशमिश, और एंड पे मैं गार्निशिंग के लिए बादाम भी यूज़ करूँगी। अब आप मिक्स करेंगे, आंच जो है वो अपनी आप थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी तेज कर देंगे और चम्मच है आप हिलाते रहेंगे। जी आप देखें हमारी सेवइयां जो है कितनी मज़ेदार सी तैयार होना शुरू हो गई है। पानी जो है वो तकरीबन इसका खुश्क हो रहा है आप देखें, और इसी पानी के अंदर जो सेवइयां हैं वो हमारी बेसिकली गलेंगी भी, ठीक है। ये आप देखें ऐसे सॉफ्ट हो रही हैं, और जैसे ही आप देखेंगे कि जो पंगाया ऑयल है वो सेवइयों से अलग हो गए, तो वो स्टेज होगी जिस स्टेज पे हमें अपना चूल्हा जो है वो बंद करना है। अभी इसको 2 से 4 मिनट लगेंगे मज़ीद, हम इसको चूल्हे पे ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो। जी तो हमारी जो सेवइयां हैं फ्राइड सेवइयां वो तैयार हो चुकी हैं। ये आप देख लें कि कितने मज़े की जो है वो शक्ल इख्तियार की है इसने लाउस में। बहुत ही झटपट सी डिश है जो कि मिनट्स में बनती है। इसने तकरीबन मेरे सिर्फ 10 मिनट लिए होंगे और ये आपके सामने बिल्कुल रेडी हो गई है। और ख़ुद भी खाएं इसको और दूसरों को भी खिलाएं कि ना कि बना के अपने घर वालों को भी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको राइट साइड पर बेल आइकन बटन जरूर नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मज़ीद और नई अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ओमार्स किचन।